मिर्जापुर में आगामी चुनाव को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चुनाव में लगे पुलिस कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक की एवं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। कोई भी फालतू व्यक्ति बिना काम की गाड़ियां यहां पे दिखनी करिए लोग लगे हुए हैं वो इस बात को देख ले आप मात्रा में जो मानक के मानक के अकॉर्डिंग से डिप्लॉय रहे कार्रवाई होते रहे शराब की तरह तरीके से अलग सुरक्षा व्यवस्था रहे जो भी उसके बावजूद भी अगर आपको दिखती है जैसे शीशा टूटा है दरवाजा टूटा है बहुत विस्तृत रूप से कप्तान साहब ने आपको एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए सब चीजें बता दी। इससे पहले एडीएम साहब और एडिशनल एसपी ने भी आपको बहुत विस्तृत रूप से बहुत सारी जानकारियां दी हैं। मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, दो तीन बिंदु केवल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज ये कि जो आप लोगों का दायित्व है वो इसलिए बढ़ जाता है, खासतौर पर जो सीपीएफ के लोग आए हैं, कि आपको बहुत विश्वास के साथ एक इलेक्शन में बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है के साथ बुलाया जाता कि कहीं कोई यदि किसी के मन में कोई संशय हो तो वो न रहे। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है और आपको बहुत जो ड्यूटी पे लगा है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें करना क्या है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डंडा ले, ये आपको देखना है, ये आप अपने लोगों